कितना लंबा हाथ मारेगी फिल्म, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है ब्रह्मास्त्र, क्या ब्रह्मास्त्र लाएगी रणबीर कपूर के एक्टिंग करियर को फिर से ट्रैक पे। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की फैंटेसी फिल्म है। आयान मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट और धर्मा प्रोडक्शन और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के बैनर के अंडर फिल्म बन रही है। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, सौरव गुज्जर और नागार्जुन मुख्य भूमिका में हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन 9 सितंबर 2022 को दुनिया भर में रिलीज हो रही है। अब ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है जो पिछले कुछ वर्षों से बन रही है। ये फिल्म इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज के इर्द गिर्द घूमती है। ब्रह्मास्त्र एक एक्शन फैंटेसी फिल्म है जिसमें रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन को भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है। तो क्या ब्रह्मास्त्र पार्ट वन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा हाथ मार पाएगी, चलिए जानते हैं। फिल्म ने अपनी बड़ी पैमाने और स्टार कास्ट के कारण काफी चर्चा पैदा कर ली है, लेकिन फिल्म का बार बार डिले होने से दर्शकों को परेशानी हो गई है। यदि यह फिल्म उम्मीदें पर खरी उतरती है और ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स गेन करती है तो ब्रह्मास्त्र 300 करोड़ रुपए या 400 करोड़ रुपए को पार कर सकती है, और यदि ऐसा नहीं होता है 100 to 150 करोड़ रुपए के बीच गिर सकती है। तो क्या ब्रह्मास्त्र कर पाएगी रणबीर कपूर के एक्टिंग करियर को रिस्टार्ट, तो चलिए जानते हैं। लगभग 3 वर्षों से बड़े पर्दे से दूर रणबीर कपूर की कड़ी मेहनत और टैलेंट के कारण अभी उनके पास भारत की 2 सबसे बड़ी फिल्में हैं, धर्मा प्रोडक्शन की ब्रह्मास्त्र और यशराज फिल्म्स की शमशीरा। अगर हम ब्रह्मास्त्र के क्रेज को देखना है तो वो ऑडियंस के बीच बहुत ज्यादा है और वो रणबीर कपूर को फिर से बड़े पर्दे में देखने के लिए एक्साइटेड है। वैसे तो रणबीर ने अपने करियर में कम ही फिल्में की है और स्टार्स के कंपैरिजन, लेकिन उनकी चंद फिल्म ही इतनी बेहतरीन रही जैसे बर्फी, संजू, ये जवानी है दीवानी, रॉकस्टार जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपना परचम लहराने के बाद जनता को भी अभी उनसे उतनी ही होप है। तो हमें उम्मीद है कि इन दोनों फिल्म्स ने रणबीर कपूर फिर से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करेंगे। आपको क्या लगता है ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और बॉलीवुड की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें।